नमस्कार दोस्तों, संजय गार्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वैसे छात्र छात्राएं जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और काफी दिनों से उनका इंतजार था कि स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है कब आएगा। तो आप लोगों के लिए काफी खुशखबरी है, झारखंड सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप का जो नोटिस है जारी हो चुका है। उनका जो क्या डेट है, कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं इस वीडियो में। तथा ये भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं जिससे आपका स्कॉलरशिप का जो पैसा है आपके अकाउंट तक पहुंच सके। यदि आप डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं रखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फॉर्म फिलअप भी नहीं कर सकते हैं, जिससे आपका जो स्कॉलरशिप का जो पैसा है आपके अकाउंट तक नहीं पहुँच सकेगा। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको तैयार रखना है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। तो यह जो वीडियो है आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं नोटिस की ओर। आप देख रहे हैं यह 20 फरवरी 2023 के द्वारा यह नोटिस जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय झारखंड मंत्रालय कल्याण कॉम्प्लेक्स मोरावती रांची के द्वारा यह नोटिस जारी हुआ है, जिसमें लिखा हुआ स्पष्ट रूप से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। यानी आपको यह मालूम होना चाहिए पोस्ट मैट्रिक किसे कहते हैं। पोस्ट मैट्रिक वैसे स्टूडेंट को कहते हैं जो विद्यार्थी हाई स्कूल के बाद के विद्यार्थी होते हैं, उसे पोस्ट मैट्रिक के अंतर्गत फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, तो पोस्ट मैट्रिक आप समझ गए होंगे, यानी टेंथ के बाद के जो स्टूडेंट हैं उन्हें पोस्ट मैट्रिक के अंतर्गत आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के जितने भी छात्र छात्राएं हैं सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जो आय की जो सीमा है कितनी है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप 2.5 लाख से अधिक का प्रमाण पत्र बनाते हैं, आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो आप यह छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आवेदन की जो प्रक्रिया है क्या है, वेबसाइट पर आपको जाना है https://ekalyan.cgg.gov.in के अंतर्गत आपको फॉर्म फिलअप करना है। इस वेबसाइट के अंतर्गत आपको जाना है और फॉर्म फिलअप पोस्ट मैट्रिक के अंतर्गत आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। पहले यह जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है वो JPG फॉर्म में होना चाहिए, 1 MB तक। ठीक है, यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से निगत आय प्रमाण पत्र किसके द्वारा आपको जारी होना चाहिए, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त, यानी आपका CO, SDO या DC के माध्यम से जो प्रमाण पत्र जारी किएंगे उसे ही आप अपलोड कर सकते हैं। और 1/9/2022 के बाद का होना चाहिए, उस तिथि के बाद से निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यदि आप 1/7/2022 के पहले का आय प्रमाण पत्र है तो वो आपको मान्य नहीं होगा, वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो विद्यार्थी अभी तक आय प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं, जल्दी से जल्दी आय प्रमाण पत्र बना लें, क्योंकि काफ़ी कम समय दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आपको जल्दी से जल्दी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO या अनुमंडल पदाधिकारी SDO और DC के अंतर्गत जो भी प्रमाण पत्र निर्गत होंगे वह मान्य होंगे। उसके बाद आपका वार्षिक प्रमाण पत्र भी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO, अनुमंडल पदाधिकारी SDO, उपायुक्त DC के माध्यम से जो प्रमाण पत्र जारी होंगे, यानी आपको आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है और आय प्रमाण पत्र 1/7/2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, ये आपको गांठ बांध लेना है और डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। अब आगे हम आपको लेकर चलते हैं कॉलेज द्वारा लेटर हेड पर आपको संस्थान का वर्तमान वर्ष के इस वर्ष का बोनाफाइड सर्टिफिकेट विथ फी स्ट्रक्चर के साथ आपको तैयार रखना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। और पूर्व के परीक्षा का अंक पत्र यानी मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एग्जाम को भी आपको तैयार रखना है। ठीक है, अगर इस वर्ष में पढ़ रहे हैं तो पिछले वर्ष का जो मार्कशीट है वो आपको अटैच करना होगा और सारा मूल प्रमाण पत्र में होना चाहिए। जो छात्रवृत्ति की जो धनराशि है PFMS के माध्यम से आधार इनेबल DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सहयोग छात्र छात्राओं के खाते में जमा की जाएगी। बैंक खातों को आधार से सीडेड होना अनिवार्य है। यदि आपका बैंक खाता आधार से सीडेड नहीं रहेगा तो आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आपको आगे बता रहे हैं
शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की जो तिथि है 21 फरवरी 2023 से 6 मार्च 2023 रखा गया है। ये जो डेट है ये कॉलेजेस का डेट है, उनका जो डॉक्यूमेंट जो भी कॉलेज अपने छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देना चाहती है उनको फॉर्म में पहले ई कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उनका जो डेट है 1 फरवरी 2023 से 6 मार्च 2023 है। और जो विद्यार्थी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताया है वो डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, ठीक है। इसका जो डेट है 10 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 रखा गया है, यानी काफ़ी कम समय रखा गया है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम फिर एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। स्टूडेंट का फोटोग्राफ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट विथ फी स्ट्रक्चर, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, बैंक पासबुक स्कैन कॉपी, और उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट गार्जियन का सिग्नेचर के साथ आपका ये डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा, नो टेम्पर डॉक्यूमेंट्स और फॉल्स अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट लेजिटेबल शुड बी नॉट बी अपलोडेड, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट फटाफटा नहीं होना चाहिए, फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तथा आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो हम आपको यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो सत्यापन है, छात्र छात्राओं का जो फॉर्म फिलअप करेंगे 10 मार्च से 2023 से 17 मार्च 2023 के बीच, उनका सत्यापन भी तुरंत उसी दिन कर दिया जाएगा, यानी 10 मार्च 2023 से 18 मार्च 2023 का वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है। यानी आपका जो डेट देख रहे हैं 10 मार्च 2023 से 17 मार्च तक फॉर्म फिलअप करेंगे और उनका वेरिफिकेशन भी साथ साथ किया जा रहा है। देखिए 10 मार्च 2023 से 18 मार्च 2023, तो आप सब पूरी तरह से समझ गए होंगे स्कॉलरशिप में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है जिससे आप पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है आप भर सकें। और जैसे ही यह जो डेट आएगा 10 मार्च 2023 का, किस तरह से आप फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में हम आगे में वीडियो में डिटेल से आपको बता देंगे, लेकिन इससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, तथा हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले, ठीक है, धन्यवाद।